नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भारत कालर ऐप क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आप भारत कालर ऐप को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको अपने प्ले स्टोर पर इसे सर्च कर देना हो। सर्च करने के बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यह एक ट्रू कालर ऐप है जिससे आप अपने फ़ोन में आसानी से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं, यदि आप जैसे इंस्टॉल कर लिए, यदि इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आपको अबाउट दिस ऐप के ऑप्शन पर टाइप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, अभी इंडिया ने इस ऐप को जल्द ही लॉन्च किया है। यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 15 अगस्त के दिन ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कर देना होगा ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टाइप कर देना होगा। तो जैसे आप गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टाइप करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, यदि कुछ यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ का परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, आपको अपना नंबर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे वेरीफाई कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना नाम लिखिए, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपना नाम लिख के नेक्स्ट कर देना होगा। तो यहाँ से चलिए मैं अपना नाम लिख के नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना होगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लोडिंग होगा, आपको वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, आपको अपने सेटिंग में जाके इस ऐप को इनेबल कर देना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको इसे इनेबल कर देना होगा। तो इसे इनेबल करने के बाद ही आप इस ऐप को यूज कर पाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, आपका जो भी जो आपके फ़ोन पे कॉल आएगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जिसने आपको फ़ोन किया, यहाँ पे उनका नाम शो हो जाता है। देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। यदि आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि आप प्रोफाइल पे फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यदि आप प्रोफाइल पे फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट का यहाँ पे जितना नंबर आप सेव किए रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आप थ्री डॉट के ऑप्शन पर टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल ब्लैक लिस्ट नंबर यहाँ पे शेयर अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।